गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम यूनिट 5 फ्लूड मशीनरी की हाइड्रोलिक प्रेस पे न्यूमेरिकल करेंगे। कल हमने हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर पे किए थे न्यूमेरिकल, आज हाइड्रोलिक प्रेस पे करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ए हाइड्रोलिक प्रेस हैज ए रैम ऑफ 300 mm डायमीटर एंड ए प्लंजर ऑफ 45 mm डायमीटर, फोर्टी फाइव एम एम है, ठीक है। फाइंड द वेट लिफ्टेड बाई हाइड्रोलिक प्रेस वैन फोर्स अप्लाइड एट द प्लंजर इज 50 न्यूटन। तो हमें वेट लिफ्टिड, कितना वेट लिफ्ट किया रैम हाइड्रोलिक प्रेस ने, वो फाइंड करना है जब फोर्स प्लंजर पे 50 न्यूटन लग रहा है। तो सोल्व करते हैं, पहले गिवन लिख लेंगे, डायमीटर ऑफ रैम कैपिटल डी इक्वल टू 300 mm दे रखा है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.30 meters। फिर डायमीटर ऑफ प्लंजर स्मॉल डी इक्वल टू 45 mm, इसे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में तो 0.045 meters। फोर्स ऑन प्लंजर कैपिटल एफ इक्वल टू गिवन दे रखा है 50 न्यूटन। लेट वेट लिफ्टेड, वेट लिफ्टेड हमने मान लिया कि डब्ल्यू न्यूटन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रैम कैपिटल ए इक्वल टू पाई बाई फोर इंटू में कैपिटल डी का स्क्वायर, तो पाई बाई फोर इंटू में डी की वैल्यू रखेंगे 0.30 का स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल ए एरिया क्या आ जाएगा, 0.07068 meters square। अब एरिया ऑफ प्लंजर स्मॉल ए इक्वल टू पाई बाई फोर इंटू में स्मॉल डी का स्क्वायर, तो पाई बाई फोर इंटू में ब्रैकेट में 0.045 ब्रैकेट बंद का स्क्वायर, तो स्मॉल ए इक्वल टू 0.00159 meters square, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब वेट लिफ्टेड पास्कल लॉ से हमने सोल्व किया था, उसका फॉर्मूला आया था, तो वेट लिफ्टेड डब्ल्यू क्या क्या आ जाएगा, इक्वल टू कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल ए इंटू में कैपिटल ए, तो 50 अपॉन 0.0159 इंटू में 0.07068। तो इसे सोल्व करने के बाद हमारा डब्ल्यू क्या आ जाएगा, वेट लिफ्टेड इक्वल टू 2222.64 न्यूटन, मतलब 2222.64 न्यूटन। सेकेंड न्यूमेरिकल, ए हाइड्रोलिक प्रेस हैज ए रैम ऑफ 200 mm डायमीटर। तो एक हाइड्रोलिक प्रेस है, उसके रैम का डायमीटर कितना है, 200 mm डायमीटर एंड ए प्लंजर ऑफ 30 mm डायमीटर। अब प्लंजर का डायमीटर कितना है, 30 mm। इट इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग ए वेट ऑफ 3 kilonewton, ये यूज की जाती है वेट लिफ्ट करने के लिए 3 kilonewton के। फाइंड द फोर्स एट प्लंजर, तो हमें फोर्स फाइंड करना है प्लंजर पे, ठीक है। तो पहले सॉल्यूशन करते हैं, गिवन लिख लेंगे, डायमीटर ऑफ रैम कैपिटल डी इक्वल टू हमें दे रखा है 200 mm, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में तो 0.20 meters। एरिया ऑफ रैम कैपिटल ए इक्वल टू पाई बाई फोर इंटू में कैपिटल डी का स्क्वायर, तो पाई बाई फोर इंटू में 0.20 का स्क्वायर, तो क्या जाएगा एरिया इक्वल टू क्या जाएगा 0.0314 meters square। डायमीटर ऑफ प्लंजर स्मॉल डी इक्वल टू 30 mm, तो इसे मिलीमीटर में दे रखा है तो मीटर में कट कर लेंगे, डी इक्वल टू 0.03 meters, ठीक है। अब एरिया ऑफ प्लंजर स्मॉल ए इक्वल टू पाई बाई फोर इंटू में स्मॉल डी का स्क्वायर, तो पाई बाई फोर इंटू में स्मॉल डी की वैल्यू रखी 0.03 का स्क्वायर, ठीक है। इसे सोल्व करने के बाद क्या जाएगा, एरिया प्लंजर 7.068 इंटू में 10^-4, ठीक है। अब वेट लिफ्टेड डब्ल्यू इक्वल टू 3 kilonewton इक्वल टू 3 × 1000 किलो न्यूटन है, तो न्यूटन कट करना होगा तो 3 × 1000, तो 3000 न्यूटन। लेट द फोर्स ऑन प्लंजर, फोर्स किस पे ऑन प्लंजर मान ली, इक्वल टू कैपिटल एफ, तो फोर्स ऑन प्लंजर एफ इक्वल टू क्या फोर में क्या जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू इंटू में स्मॉल ए अपॉन में कैपिटल ए, वैल्यू रखेंगे 3000 इंटू में 7.068 इंटू में 10^-4 अपॉन में 0.0314। सोल्व करने के बाद हमारा एफ इक्वल टू क्या जाएगा, 67.52 न्यूटन, ठीक है। ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया हाइड्रोलिक प्रेस पे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।